बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो चिकन को मसाला लगा रही थी बिरयानी के लिए। मैंने कहा आज जो है ना वो ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बिरयानी बनाते हैं, तो बस यहाँ पे जो है वो मैं चिकन को मसाला लगा के रखने लगी हूँ। उसके बाद बाकी जो काम है वो कर लेते हैं। आज जो है वो मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त आ रहे थे घर पे, तो मैं उनके लिए जो है वो खाना बनाने की तैयारियां कर रही थी, साथ जो है वो घर की सफाइयां भी कर रही थी। तो मैंने कहा कि टेबल को अच्छी तरह साफ़ करके ना इसको सेट कर देती हूँ, उसके बाद जो है ना वो बाकी घर के जो काम है वो करूँगी। सफाइयां सारी की थी खुद ही अकेले, जो है ना वो सारा कुछ देख लें करना पड़ता है। और फिर जो है बाद में मैंने खाना भी बनाया था, वो भी सारा कुछ अकेले। लेकिन ये था कि हस्बैंड जो है वो घर पे थे, तो बच्चों को जो है ना वो हस्बैंड टाइम दे रहे थे, तो मैंने बाकी सारे काम जो है वो कर लिए हैं। हस्बैंड घर पे हो ना फिर जो है वो खाना वगैरह बनाना मेरे लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता। वैसे भी इतना मुश्किल नहीं होता, कर लेती हूँ अकेली भी, लेकिन थोड़ी सी जो है ना वो स्ट्रेस कम हो जाती है कि बच्चे जो हैं वो हस्बैंड के साथ लगे रहते हैं, उनके साथ खेल लेते हैं, तो मेरी जो है ना वो काफ़ी जो है वो बर्डन मेरे से जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि कामों के साथ साथ बच्चों को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने किचन में जो है वो आ गई थी, और अब जो है वो मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता करके ना तो सारा शाम तक जो है वो सारा खाना तैयार कर लूँगी। घर की सारी सफाइयाँ मैंने कर ली थी अच्छी तरह जो है ना वो, ज़ाहिर है जब मेहमान आते हैं तो आप थोड़े से स्पेशल जो है वो तैयारियाँ कर लेते हैं, सफाइयाँ वगैरह और बाकी घर के जो काम है ना वो थोड़े स्पेशल करके करने पड़ते हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैं मटन बना रही थी, मटन कोरमा। तो इसके लिए जो है ना वो मैंने बस मटन को करके तड़का तैयार करके इसमें डाल के रख दिया था। साथ साथ जो है ना वो बाकी काम भी, सलाद दही और बाकी चीज़ें जो है ना वो भी मैं साथ साथ सारी तैयारी कर लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके दोस्तों के आने से पहले पहले जो है ना वो फिर मैंने सारी चीज़ें जो है वो रेडी कर ली थी। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैं दही बना रही थी, ये वही पकौड़ियाँ जो मैंने कुछ दिन पहले, तीन चार दिन पहले जो है वो मैंने बनाई थी। तीन चार दिन तो खैर नहीं, ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो वही जो है वो दही में मिक्स करके तो इनको रख दूँगी। और दही जो है वो मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका था, इसको फ्रिज में रख देती हूँ। साथ साथ जो है ना वो बाकी काम भी, और सालन भी साथ साथ तैयार हो रहा है, और बिरयानी का जो मसाला मैंने तैयार करके रखा था ना वो भी थोड़ी देर के बाद उसके नीचे चूल्हा चला दूँगी, और वो भी अपने जो है ना वो आराम से आस्ते आस्ता पकता रहेगा। और यहाँ पे जो है ना वो अब मैं सलाद की तैयारी शुरू कर दी थी, तो सलाद में जो जो चीज़ें थी सारे जो है ना वो मैंने डाल लिया था। तो सबसे पहले जो है उसमें वाइट चने मैंने डाले थे, साथ में बॉयल मकई डाली थी, शिमला मिर्च डाली है, और इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो इसको यही कहती हूँ जो पाकिस्तान में ना चारे के अंदर वो शलजम होते थे ना, उस तरह का इसका सेम टेस्ट है। तो ये उसी तरह के, बस ये है कि थोड़ा सा ये छोटे छोटे करके काट लेते हैं, इनको निकाल लेते हैं, सेम वही है, ऊपर पत्ते भी और जायका भी और सारा कुछ ना, तो ये वाले डाले हैं। और साथ में खीरा लिया है, गाजर ली है, और आइसबर्ग सलाद लिया था, और एक सेब लिया था। तो बस इस तरह जो है ना वो मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह काट के छोटी छोटी करके और मिक्स करके रख दी थी। साथ साथ जो है वो मैं सालन को भी हिला रही थी, क्योंकि सालन जो है ना वो मेरा भुनाई के करीब पहुँच चुका था, तो इसमें भी चम्मच हिला रही थी ताकि वो नीचे ना लग जाए और ऐसे ना हो कि सालन ही सारा ख़राब हो जाए। तो सारे एक ही साथ के साथ ना सारे ही देख लें काम करने पड़ते हैं, यहाँ कौन सा कोई हेल्पर होते हैं या कुछ के काम वाली से करवा लो सफाइयाँ, और किचन देख लो, किचन भी सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, और खाना पकाना भी खुद ही पड़ता है, और सफाइयाँ वगैरह भी खुद ही करनी पड़ती हैं। अच्छा जी यहाँ पे जो है ना वो मैंने मटन को अच्छी तरह भून के ना इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, और इसको पकने के लिए ऐसे हल्की आंच पे रख दूँगी, खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पकता पकता इसको थोड़ा सा ना ऐसे देगी स्टाइल में, जैसे वो गाढ़ा सा जिसका होता है हल्का हल्का शोरबा, वैसा मैंने तैयार किया था। तो बस इसके ऊपर ढक्कन दे देती हूँ, ये तो मेरा आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो जाएगा सालन। और अब जो है वो सलाद का जो है वो फाइनल लुक कर लेती हूँ। इसमें मैंने प्याज जो है और ये आइसबर्ग सलाद है इसको मैंने धो के अच्छी तरह फिर डाला इसके ऊपर मसाला डाल के, और इसको रैप करके जो है ना वो साइड पर रख दूँगी,
और इसके बाद जो है ना वो फिर बाकी जो अपने काम है ना वो कर लेती हूँ। और साथ जो है वो मैंने चिकन रोस्ट करना था और साथ जो है वो मैंने कबाब बनाए थे कीमे के ना, तो वो सारे मसाले जो हैं वो मैंने कल की वीडियो में लगा के रखे थे। अगर आपको किसी को ना पता हो ना समझ आए तो आप लोग जो हैं वो मेरी कल की वीडियो जो है वो देख लेते हैं, उसमें मैंने सारा मेथड बताया कि किस तरह मैं चिकन को जो है वो मैंने मसाला लगाया था और किस तरह जो है वो मैंने कीमे को मसाला लगाया था। तो जी यहाँ पे जो है ना वो अब मैं चिकन को जो है वो ट्रे में रखने लगी हूँ ताकि इसको ओवन में रख दूँ और ये अच्छी तरह जो है वो हो जाए बन जाए ना। तो इसके नीचे जो है ना वो मैंने ये पेपर रखा है बेकिंग पेपर, इससे ये होता है कि बर्तन इतना गंदा नहीं होता और बाद में धोने का इतना मसला नहीं होता, ईजिली जो है वो फिर धुल जाता है। तो ये मैंने सारा चिकन जो है वो रख लिया था, अब इसको ओवन के अंदर रख लेती हूँ। तकरीबन मैंने इसको पहले ही तकरीबन रख दिया था 1.5 घंटा पहले और 180 डिग्री पे मैंने ऑन करके ना, तो पहले मैंने इसको ओवन को गर्म कर लिया था फिर इसमें मैंने चिकन रख दिया था। तो जी यहाँ पे जो है ना वो अब मैं फ्रूट सलाद तैयार करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने एक कॉकटेल का डिब्बा लिया था, साथ में मैंने 2 एप्पल और 2 केले लिए थे और साथ में अनार खजूर और साथ में किशमिश और थोड़े से बादाम डाले थे और साथ में स्ट्रॉबेरी जो है वो भी मैंने डाली थी। तो अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद फिर इसमें जो है ना वो क्रीम डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको भी रैप आउट करके और फ्रिज में रख दूँगी, तो फिर ये मज़ेदार सा जो है वो तैयार हो जाएगा। ठंडी ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मैंने इसकी सारी डेकोरेशन वगैरह करके इसके ऊपर जो है ना ये मैंने फोलिया लगा के इसको फ्रिज में रख दूँगी और ये बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो मेरी फ्रूट चाट जो है ना वो भी तैयार हो गई थी। क्रीम चाट कह लें, फ्रूट चाट कह लें, कुछ भी कह लें, तो ये इसको मैं उठा के फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा जी यहाँ पे जो है ना साथ साथ जो है वो मेरा सालन खाना भी तैयार हो रहा था और अब जो है वो मैंने सारे बर्तन साफ़ करके और टेबल पे मैंने सेट कर दिए थे और साथ में ग्लास और चम्मच और सलाद का जो है ना वो भी मैंने उठा के साथ ही रख दिया था। तो साफ़ जो है वो मैंने इसकी सुबह ही किया था, अच्छी तरह इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया था। तो यहाँ पर जो है ना वो सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर रख दी थी। ये मैंने लकड़ी का हार्ड पार्ट जो है ये पाकिस्तान से लेके आई थी, तो इसके अंदर जो है ना वो मैंने रोटियां जो है बाज़ार से नान लेके आए थे वो भी मैंने रख दी थी। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना वो सारी मैंने इसके ऊपर रख के तो मैंने टेबल अपना अच्छी तरह जो है वो सेट कर दिया था। तो जी टेबल वगैरह मेरा जो है वो सेट हो चुका था, साथ साथ जो है वो मेरा खाना भी बन रहा था। मैंने बिरयानी के लिए पानी भी रख दिया था और बिरयानी को जिसको मैंने मसाला लगाया था ना वो भी मैंने पकने के लिए रखा हुआ था साथ साथ। तो अब जो है वो मैं कीमे के कबाब बनाने लगी हूँ, ऐसे लंबी शेप में इसको बनाऊँगी और सारे इसी तरह बना के इसी जाली को जो है ना उसी ओवन में रख दूँगी ताकि चिकन और ओवन जो है ना इसमें अच्छी तरह जो है ना ये कबाब भी उसी ओवन में चिकन के साथ ही रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे कबाब जो हैं वो बना लिए थे, साथ साथ जो है वो मैं खाने में भी चम्मच साथ साथ ही हिला रही थी ताकि सारे काम जो है ना वो ठीक ठीक परफेक्ट हों, कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। तो यहाँ पे जो है ना वो चिकन को निकाल के थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूँगी और कबाब जो है वो मैंने नीचे रख दिए थे यहाँ पे और इसके नीचे भी जो है वो मैंने पेपर रख दिया था ताकि ओवन गंदा ना हो, क्योंकि ओवन को साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इसको भी जो है वो पकने के लिए रख देती हूँ। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैं बिरयानी की तहें लगा रही थी, तो तहों में जो है वो मैंने लेमन, सब्ज़ धनिया और प्याज जो है वो भी मैंने डाला था और साथ में जो है ना वो मैंने ब्राउन किए हुए प्याज वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह जो है ना इसके ऊपर चावल डाल के और कलर डाल के इसको आप जो है वो बिरयानी को भी दम दे देंगे, तो बस बिरयानी भी मेरी रेडी हो गई थी। दावत में बड़ा मुश्किल होता है, आपको बहुत सारे काम होते हैं लेकिन फिर भी मैं उन्होंने कोशिश किया कि आपके साथ जो है ना वो अपना पूरा व्लॉग शेयर करूँ।
तो जी यहाँ पे जो है ना वो हमारा ज़बरदस्त सा टेबल भी माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो चुका था। आप लोग जो है ना वो वीडियो देख के माशाल्लाह ज़रूर बोला करें और दुआ किया करें, अल्लाह ताला इसी तरह जो है वो हमारा दस्तरखान कुशादा रखे और इसी तरह हमारे खाने में बरकतें जो हैं वो मज़ीद हों, क्योंकि दुआओं के साथ ही जो है ना वो होता है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना वो हमारा टेबल बिल्कुल सेट हो चुका था, सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने टेबल पर रख दी थी। तो बस अब जो है ये इनके दोस्त भी आ गए थे तो वो बैठ के खाना खाएँगे, और खाना खाने के बाद जो है ना वो फिर सारे बर्तन उठा के रखूँगी किचन में, और फिर जो है वो मैं बाद में जो है ना वो फिर चाय वगैरह जो है वो बनाएंगे। तो अकेली जान के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो बर्तन सारे मैंने यहाँ पे सिंक में रख दिए थे। अब जो है साथ साथ मैं चाय बना रही थी, साथ साथ मैं चीज़ें सारी समेट रही थी, खाना जो एक्स्ट्रा था वो सारा निकाल के रख रही थी, उनको कंटेनर में डाल के कुछ फ्रिज में कुछ, वैसे तो सारी चीज़ें साथ साथ करनी पड़ती हैं। और चाय के साथ जो है वो मैंने गजरेला बनाया था, गजरेले की रेसिपी जो है वो इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज का व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग बहुत कम स्किप कर करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी और साथ में मैं गजरेला दूंगी, और बस यहाँ पे जो है ना वो अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अभी मेरे काम ख़त्म नहीं हुए लेकिन यहाँ पे मेरी वीडियो का एंड हो चुका था। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।